वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी सी ए फोर्थ सेमेस्टर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर्स कोड है वो है 402। ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल 5 यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सिलेबस देखो काफ़ी ज़्यादा है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स, एंड इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। इसके टाइप्स हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है ना उसमें सिर्फ यही है बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्राम्ड एंड पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमें पढ़ना है व्हाट इज स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पहला तो यही है कि पेज रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं और वे कौन कौन सी होती है, राइट। एंड लास्ट का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा व्हाट इज थ्रेसिंग। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट। इतना सब कुछ हमें करना है, तो इतना सब कुछ देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और इसमें सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन आप अभी से ही स्टार्ट कर दें, एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, पास होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे फिर आपके। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। An operating system is a software which performs all the basic tasks such as memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices. Operating system एक interface है computer user और computer hardware के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है सभी तरह के बेसिक टास्क, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट एंड आउटपुट को हैंडल करता है और कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र्स के लिए GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। अगर आप किसी यूज़र के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को समझने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसको अपडेट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप डेफिनेशन के बाद, डायग्राम बनाने के बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग। थर्ड है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला फंक्शन है वो है डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब देखो इसके जो एप्लीकेशंस हैं एंड जो इसके फंक्शंस हैं, आपको सिर्फ इसके नाम याद करने हैं, क्योंकि मैं आपको किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ BCA के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की, कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छी परसेंटेज लानी है, या अगर आपको पास ही होना है तो आप ऐसे समझ लो कि आपको किस तरह से पास होना है। बस यहाँ पे मैं किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूँ। तो इसके जो फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, प्लीज़ उसके नाम आप याद कर लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 हैं, लेकिन इन 6 के अलावा भी एक दो टाइप हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। जो पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट में पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके BCA फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इनकी अलग से डेफिनेशन आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आएगी, लेकिन इनकी भी अलग से डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट है व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला टाइप है। होता क्या है, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर्स हु यूजिंग अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होता है, जो यूज़र्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक जैसे जॉब को एक साथ सबमिट करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेम जॉब्स होती हैं ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक जगह पर कलेक्ट कर देता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अगर आप किसी बहुत बड़ी फाइल में काम कर रहे हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहली एडवांटेज है वो है इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क। जितने भी हमारे बड़े बड़े काम होते हैं उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। सेकंड है ईजी टू यूज़। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है इसको यूज़ करने में। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग अनेबल मैनी पीपल टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेम टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब भी है कि हम टाइम शेयर कर सकते हैं। ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जितना भी प्रोसेस होंगे CPU सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा, फिर चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो या वो शॉर्ट प्रोसेस हो, CPU सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टाइप है, जहाँ पर बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ना, वे कनेक्ट हुए होते हैं सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल से।
देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ दो ही मेन टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है सर्वर सिस्टम, एंड सेकेंड टाइप होता है पीयर टू पीयर सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज आ स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर डेट हैज स्ट्रिक्ट टाइम फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म्ड। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में। आप ये मानो कि आपने कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी कमांड दी है और आपको एकदम से रिजल्ट चाहिए, तब आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करोगे। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। आप जैसे भी कोई इनपुट दोगे ये एकदम से आउटपुट दे देगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज ये है कि ये क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड टाइप है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड टाइप है फ्रेम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। On a single processor computer, a multi-programming operating system can run many programs. The main purpose of multi-programmed operating system is to manage all the system resources. जो multi-programmed operating system है वो एक single computer processor पर बहुत सारे programs run करवा सकता है। और इसका जो मेन पर्पस होता है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि ये सभी सिस्टम रिसोर्सेस को मैनेज करता है। मेन कंपोनेंट्स मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पे तीन मेन कंपोनेंट हैं। वो पहला तो है फाइल सिस्टम, सेकंड है कमांड प्रोसेसर, एंड थर्ड है इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड टाइप होता है इसका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं और फिर कौन कौन से टाइप हैं, उनके नाम याद होने चाहिए आपको एग्ज़ाम में। सपोज़ करो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आ गया व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने मेन कंपोनेंट्स भी लिख दी, आपने मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम भी बना दिया। और अगर आपको टाइप से याद है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो 32 पेजेस की आपकी एग्ज़ाम कॉपी होगी, आप क्या करना, यहाँ पर यहाँ एक सर्कल बनाना ऐसे, यहाँ पर आप लिखना मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दो टाइप है ना इसके, एक सर्कल यहाँ बनाना, एक सर्कल यहाँ पर बनाना। यहाँ पर लिखना मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर लिखना मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देना इसे। और ये डायग्राम यहाँ छोटा सा है, लेकिन एग्ज़ाम कॉपी में आपको बहुत ही बड़ा बना के आना है, इतना बड़ा बनाना है कि आपके एग्ज़ाम कॉपी का जो पेज है ना वो पूरा फिल हो जाए। ये एग्ज़ाम में लिखने का तरीका होता है, डायग्राम्स बनाने का तरीका होता है। इसलिए अगर आपने नोट किया होगा, मैंने हर एक टाइप में, अगर टाइप हैं उस टाइप के, तो मैंने आपको उसके टाइप के नेम बताए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करो, हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट टाइप है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आर द सिस्टम डैट कैन प्रोसेस द डेटा। दीज सिस्टम आर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टाइटली कपल्ड सिस्टम।
जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और इसी सिस्टम्स को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं टाइडली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज स्वैपिंग। स्वैपिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी रनिंग इट फॉर अ वाइल एंड देन पुटिंग इट बैक टू द डिस्क। स्वैपिंग का मीन्स है कि हम डेटा को स्वैप करते हैं मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में। स्वैप का मीनिंग होता है डेटा को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पर। स्वैपिंग एक मैकेनिज्म है, आप मेथड बोल सकते हो, आप प्रोसेस बोल सकते हो यहाँ पे, कि स्वैपिंग जो है वो एक मेथड है, वो एक प्रोसेस है, या फिर वो एक मैकेनिज्म है जिसमें डेटा टेम्परली स्वैप्ड हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेजिंग। अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज पेजिंग। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट मेथड। फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट मेथड है, लेकिन इतना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं है, तो इसको मैं आपको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप कमेंट ना कर सकें। फिर देखो, पेजिंग जो है वो नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन कॉन्सेप्ट है। नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। आपके पास प्रोसेस है और मेन मेमोरी है, ये आपके पास प्रोसेस है, ये आपके पास है मेन मेमोरी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको आप डिवाइड करते हैं, और ये जो हर एक पार्ट है उसका, इसको हम बोलते हैं पेजेस। ये हमारा प्रोसेस है, इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसके जो भी हर एक पार्ट जो है ना इसका, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पेजेस। उसी तरह से हम मेन मेमोरी को भी डिवाइड करेंगे। मेन मेमोरी के हर एक पार्ट को जो हमने ऐसे डिवाइड करा है इसको हम बोलेंगे फ्रेम्स। ये तो हो गया पेजेस, ये हो गए हमारे फ्रेम्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोसेस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ पेजेस, और मेन मेमोरी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फ्रेम्स। और इनको हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो आपके पेजेस का साइज होगा वो ही आपकी मेन मेमोरी के फ्रेम्स के इक्वल होगा। यानी ये जो हमने डिवाइड करा है प्रोसेस को पेजेस में, इसका जो साइज़ होगा ना वो मेन मेमोरी के फ्रेम के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होगा। ये होता है पेजिंग। डायग्राम आप ऐसे बना के आ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसे डायग्राम को अच्छी तरह से साइज़ में थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेगमेंटेशन। Segmentation is another memory management scheme. There are two types of segmentation. The first type is virtual memory segmentation and second type is simple segmentation. देखो जो segmentation है ना वो एक तरह से memory management scheme है, और इसके दो type होते हैं, virtual memory segmentation and simple segmentation. सेगमेंटेशन जो है वो प्रोग्राम की एक यूनिट है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट, जहाँ पर सेगमेंट एक लॉजिकल यूनिट है, जैसे मेन प्रोग्राम, फंक्शन, प्रोसीड्यूर, सिंबल, टेबल। कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन इज बेसिकली अ मेथड इन विच सिंगल कॉन्टिगस पार्ट ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ फाइल। जो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन है वो बेसिकली एक मेथड है जिसमें मेमोरी का जो पार्ट होता है ना सिंगल कॉन्टिगस, वो एलोकेटेड होता है फाइल में। इसके दो टाइप होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। द फर्स्ट टाइप इज फिक्स्ड साइज पार्टीशन, सेकेंड टाइप इज वेरिएबल साइज पार्टीशन।
वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज़ अ स्टोरेज मैकेनिज्म विच ऑफर्स यूजर अ वेरी बिग मेन मेमोरी. इट इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्चुअल मेमोरी एक स्टोरेज मैकेनिज्म है जो यूज़र को ऑफर करती है बड़ी मेन मेमोरी. ये एक कॉमन टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में. इट इज़ अ स्टोरेज एलोकेशन स्कीम. वर्चुअल मेमोरी एक स्टोरेज एलोकेशन स्कीम है. डिमांड पेजिंग. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द पेज इनटू मेमोरी ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग. पेज को लोड करने का जो प्रोसेस होता है मेमोरी में डिमांड पर, उसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग. पेज रिप्लेसमेंट. इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम पेज रिप्लेसमेंट इज रेफर्ड टू अ सिनेरियो इन विच अ पेज फ्रॉम द मेन मेमोरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी. पेज रिप्लेसमेंट अकर्स ड्यू टू द पेज फॉल्ट. देर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज FIFO. FIFO stand for first in first out. Second page replacement algorithm is LRU. Third is LIFO, last in first out. Random page replacement, optimal page replacement. ये सब algorithm हम used करते हैं virtual memory में page को replace करने के लिए.